बप्पा आने वाले हैं तो तैयारियां तो बनती हैं। तो यहाँ मैं शुरू कर रही हूँ हमारे एक सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है जो कि मिनटों में बन जाएगी। मैक्सिमम 15 मिनट हैं, 15 मिनट में आप इस रेसिपी को बना सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं घी के और उसमें डाले मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो हमारे नारियल का बुरादा होता है वो डाला है। आप इसको फ्रेश नारियल के साथ में बना सकते हो, मैंने इसको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ में बनाया। ठीक है, तो ये 2 कप लिए हैं। जैसे ये भुन जाता है घी के साथ में, इसको मैंने निकाल दिया साइड में। और इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको भुनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ अगेन इसी कढ़ाई के अंदर मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 1 कप है दूध, उसके साथ में ही मैंने यहाँ पे मलाई ली है। ठीक है, 1 कप है पूरा, 1 कप दूध लिया है, उसी के साथ में इसमें मलाई है, अप्रोक्स होगी 2 से 3 बड़े चम्मच। इसी के साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ केसर, केसर भी डाल रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ी सी मैं इसमें इलायची फ्लेवर भी डाल रही हूँ। अगर आपको केसर नहीं डालना है तो फिर आप इसमें कलर डाल सकते हो। मैंने इसमें केसर भी डाली है और मैंने इसके अंदर इलायची भी डाली है, तो दोनों चीज़ें डाली हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दूध है, दूध के अंदर मैंने केसर डाल दिए, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला है जो हमारा ड्राई कलर होता है, उसको थोड़ा सा पानी के साथ में डिजोल्व करके वो मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डाल दिए मैंने इलायची जो फ्रेशली कुटी हुई थी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया हमारा फूड कलर जो कि मैंने अभी बताया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। यहाँ मैंने डाल दिया है 1/2 कप के लगभग मैंने मिल्क पाउडर, इजीली घरों के अंदर मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो जो हम बर्फी बना रहे हैं ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो 1/2 कप के लगभग मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो भी चीज़ें डाली हमने वो इसके साथ में मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर डाला है मैंने 3/4 कप डाला है पाउडर शुगर, बूरा डाली है मैंने। आप बूरा भी डाल सकते हो, आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ डाली है बूरा, 3/4 कप के लगभग मैंने यहाँ डाली है। 2 कप लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को, डेसिकेटेड अब इसके अंदर ये डाल दिया मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने भून के रखा था। इसको आपको अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है, और जब तक आपको इसको मिक्स करना है जब एक ये डो की शेप में नहीं आ जाए। इसके अंदर आपको अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मलाई डाली है वो एक ऑलरेडी घी का ही काम करेगा इसके अंदर, और मिनटों में ये बनके तैयार हो जाती है। क्योंकि अभी बप्पा आ रहे हैं घर पे और उनके भोग के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रसाद का चाहिए होता है। अब आप देख सकते हो कितना थिक हो चुका है, अभी देखा था आपने कि थोड़ा सा लिक्विड ही था। अब इसके अंदर ये जो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना, तो पूरा एक डो की तरह बन के निकल रहा है, ये देखिए। तो जैसे थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर अगर आपको लग रहा है कि भाई रह रहा है, तो फिर आप इसको स्लो फ्लेम पे आपको कुक करना है। ठीक है, तो आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, आप क्या क्या बना रहे हो मुझे कमेंट्स में बताइए। और मोदक की मैं पूरी रेसिपीज दे चुकी हूँ, काफ़ी सारे मैंने मोदक के वेरिएशन दिए, अब वो भी एक बार चेक कीजिए ताकि आपको मोदक बनाने के लिए भी बहुत ईजी रहेगा। तो ये देखिए एक डो की शेप में बन गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ एक ट्रे में। ट्रे को मैंने ऑलरेडी घी से ग्रीस करके रखा हुआ है, घी से ग्रीस कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, या फिर आप नीचे बटर पेपर लगा सकते हो चाहे तो। जैसे मैंने ये यहाँ पे ट्रे में निकाल रही हूँ, आप चाहो तो इसको थाली में भी निकाल सकते हो। तो थाली में भी जिस भी चीज़ में आप इसको सेट कर रहे हो ना, उसमें आपको नीचे रख देनी है, घी लगा देना है। घी नहीं लगाओगे तो जो बर्फी आप निकालोगे ना, तो ये अच्छे से सेट नहीं होंगी। तो ये देखिए प्रसाद है, तो प्रसाद का हमें थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं करना है, अच्छे से हमें क्लीन करके और सेट कर देना है। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको सेट कर रही हूँ। कैमरे में ये थोड़ा सा कलर कम दिख रहा है, अगर आपको लगे कि भाई कलर थोड़ा सा आपको कम है, तो थोड़ा सा या तो फूड कलर आप ऐड ऑन कर दीजिए या फिर केसर कर दीजिए। वैसे तो घर पे जब हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अब ये भोग के लिए बन रही है और सब लोगों को प्रसाद के तौर पर दी जाएगी, तो थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छी लगनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप चाहो तो चांदी का जो वर्क आता है वो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे। चांदी का वर्क भी इस पर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे पिस्ता से ही गार्निशिंग करूँगी, किसी और चीज़ से नहीं करूँगी। तो ये मैं यहाँ लगा रही हूँ, और अच्छे से इसको एक सार करके आप इसको सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको सेट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 से 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के अंदर ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। फ्रिज में सेट मत करना, बाहर ही सेट करना, बाहर सेट करना बीच में। ये देखिए इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिस्ता, छोटी छोटी सी कतरन के अंदर काटी हुई है,
आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ में गार्निशिंग कर सकते हो। तो ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसे लगी? 15 मिनट में, हार्डली 15 मिनट लगते हैं इसको, पर सेट होने का जो टाइम लगता है वो एक अलग बात है। बाकी इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे। तो गणपति बप्पा के भोग की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये हमने बनाई है बर्फी, नारियल की बर्फी है। आप चाहो तो इसको ऑरेंज कलर दे सकते हो, आप चाहो तो इसको येलो कलर दे सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर में आप इसको बना सकते हो। मैंने इसको येलो कलर में बनाया, ऊपर से पिस्ता गार्निश कर दिया। आप वर्क भी लगा सकते हो, चांदी वाला वर्क भी लगा सकते हो, या आप बादाम से भी गार्निश कर सकते हो। तो सिंपल सी रेसिपी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप ट्राई करते हो तो उसका भी फीडबैक जरूर दीजिए। कोकोनट लड्डू भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और ये जो रेसिपी है ना बहुत शानदार लगती है, टेस्टी भी बहुत है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका, थोड़ा सा कट करके इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ, जबकि अभी ये पूरी सेट भी नहीं हुई है क्योंकि वीडियो कम्प्लीट करना था। तो मैंने ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है अभी, जबकि इसको टाइम सिर्फ 1 घंटा हुआ है। तो रेसिपी अच्छी